850 करोड़ के सृजन घोटाले के आरोपी की मौत का रहस्य गहराता चला जा रहा है। घर से लेकर अस्पताल तक पुलिस वालों तक हमने छानबीन की और उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। भागलपुर जिले के पिस्ता गांव का यही वो आलीशान मकान है जिसमें 26 कमरे होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस घर के बाथरूम में भी एसी लगे हुए हैं। इन खबरों की पड़ताल से पहले हम आपको बता दें कि ये घर उसी महेश मंडल का है जिसे सृजन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनके अस्पताल में मौत हो गई। मौत के पीछे क्या कोई साजिश है, इसे जानने से पहले इस घर के राज से पर्दा उठाते हैं। हम आपको कमरे के अंदर की तस्वीर दिखाएं कि ये चूंकि घर के सबसे बाहर का कमरा है, इसमें हमें कहीं भी एसी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इन्वर्टर ज़रूर लगा हुआ है, एक टीवी रखी हुई है, लेकिन एसी का कहीं भी नामो निशान नहीं है, दो पलंग हैं। जांच में पता चला कि ये घर 8 कमरों का है, यानी जो दावे किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन क्या इस आलीशान घर को बनाने में काली कमाई का इस्तेमाल हुआ है, इसकी पड़ताल भी करेंगे। उसके पहले जानिए कि गांव वाले महेश की मौत को लेकर क्या नए खुलासे कर रहे हैं। सरकारी गवाह बनना चाह रहे थे, इसमें बड़े लोग, व्यवसायी, प्रशासक और ये क्या एमएलए एमपी सब फंसने वाले थे, इसलिए इनको। आपको क्या जानकारी है, कौन कौन लोग शामिल थे? इनके पास हमारे दोस्त हैं, इनको धमकी मिलती है। आप अपना इस घोटाले के बारे में आपको क्या जानकारी, कौन कौन लोग? घोटाला होया ही नहीं है तो हम लोग क्या बुझेंगे, इनको जबरदस्ती फंसा दिया है। महेश मंडल के करीबी की बात सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। सच्चाई का पता लगाने हम उस अस्पताल में पहुंचे जहां महेश मंडल की मौत हुई थी। यहां हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट रामचरित्र मंडल मिले। सुनिए हमारे सवालों पर उनका जवाब क्या रहा। एक बात ये भी सवाल उठ रहे हैं कि महेश मंडल काफी सालों से बीमार थे, उनको डायलिसिस हफ्ते में 3 बार जरूरत थी। उनको अगर थोड़े वक्त पहले उनको लाया जाता प्रशासन की ओर से तो उनको बचाया जा सकता था। ये हम नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में नहीं कुछ बता सकते हैं। हमारे यहाँ 10-15 में आया, 10-35 में एक्सपायर कर गए। इसके अलावा हम और कुछ नहीं बता सकते हैं कि उसको क्या होता, क्या पहले लाता, ये हम नहीं बता सकते हैं। मेरा सवाल है कि अगर उनको थोड़ी देर पहले लाया जाता, जब उनकी पल्स चल रही होती, तो उनको बचाया जा सकता था। अब सबसे पहले समझे कि हम सुपरिंटेंडेंट हैं, हम मरीज का इलाज नहीं करते हैं, इसलिए मरीज को किस हालत में लाया जाता और क्या इलाज होता, इसके बारे में हम डिटेल आपको नहीं बता सकते। सुपरिटेंडेंट ने सब कुछ साफ साफ कह तो दिया, लेकिन उनका जवाब शक पैदा करने वाला था, इसीलिए हमने भागलपुर के एसएसपी का रुख किया ये जानने के लिए कि क्या शुगर और लीवर के मरीज महेश की मौत किसी लापरवाही का नतीजा है। देखिए, महेश मंडल 15 तारीख के बाद से जुडिशियल कस्टडी में थे और जेल प्रशासन के कस्टडी में हुए थे, तो उन्होंने कैसे कैसे इलाज कराया है, इस प्रश्न का जवाब तो वही दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या जेल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती, क्या किसी साजिश के शिकार हुए महेश मंडल, क्या महेश मुंह खोलते तो बड़े बड़े लोग फंस जाते। कल्याण विभाग में नाजिर रहे महेश मंडल की मौत के 4 दिन बाद भी कई सवाल मुंह खोले खड़े हैं। यहां दर्शकों को बता दें कि महेश मंडल के बेटे शिव मंडल जेडीयू की युवा इकाई के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन घोटाले में पिता का नाम आने के बाद शिव मंडल को पद से हटा दिया गया। शिव मंडल करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, करोड़ों खर्च करके जिला परिषद चुनाव भी लड़ा, जिला परिषद चुनाव में शिव मंडल की हार हुई। हमारी मुलाकात यहां जेडीयू के नेता रहे शिव मंडल से तो नहीं हो पाई, लेकिन ये जरूर मालूम चला कि महेश मंडल का परिवार करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।